नमस्ते दोस्तों, आपको आपके चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी खुशहाल पूर्वक होंगे। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी गौ माता की महात्म्य बताते हुए ये कहा है कि गौ माता की सेवा करने में इंसान को क्या क्या प्राप्त होता है। उन्होंने अपनी मालिका ग्रंथ में लिखा है, गौ माता हेले संतोष, धन धान्य आयु बढ़े अशेष, लक्ष्मी करंती ता गृहे वास। अगर आपकी सेवा से गौ माता को पूर्ण रूप से संतोष प्राप्ति होती है तो आपके घर में धन धान्य और आयु की बढ़ोतरी होती है। और महापुरुष ने ये भी कहा है कि माता लक्ष्मी आपके घर में साक्षात रूप से विराजमान करती है। गौ माता की सेवा कैसे किया जाए इसके बारे में महापुरुष कहा है, प्रभात उठिण गुरु गुहाल को जीव सप्तबार दंडवत गुरु को करीब मलमूत्र लगिव जहाँ ता देहरे पुछीदेव जतन रे ताकू वसन रे। प्रातःकाल में उठकर पहले उसी जगह पर जाना जहाँ गौ माता निवास करती है और गौ माता को सप्तबार दंडवत होना अर्थात सात बार दंडवत प्रणाम करना। अगर गौ माता के शरीर में मल मूत्र आदि लगा हुआ है उसे एक वस्त्र लेकर अति जत्न पूर्वक साफ करना। ये सब करने से गौ माता आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वर प्रदान करते हैं। जो कोई भी आपके मन में अभिलाषा हो वो गौ माता जान लेती है और आपको उसी हिसाब से वर प्रदान करती है। अगर आपके घर में गौ माता है तो घर पर आने वाला सभी विपत्ति को वो पहले सामना करती है, वो सभी विपत्ति को अपने ऊपर ले आती है। इसलिए आपको कभी कभी ये देखने को मिलेगा कि गौ माता अचानक रो रही है और अचानक उसका तबीयत बिगड़ जाती है, तो ऐसा होने का यही सिर्फ कारण है। माता हमेशा पुत्र की भलाई चाहती है लेकिन पुत्र माता को समझ नहीं पाता। इसलिए आजकल ये सब हो रहा है कि जब माता वृद्ध हो जाती है तब पुत्र उसे बाहर कहीं छोड़कर चला आता है। पुत्र को ऐसा लगता है कि वो अब कोई काम का नहीं रहा, इसलिए माता को वो घर से बाहर निकल देती है। हम अपनी माता के घर में सिर्फ 10 महीने तक रहते हैं और वहाँ से जब निकलते हैं पृथ्वी माता के गोद में सारा जिंदगी बिता देते हैं। ठीक उसी तरह एक है गौ माता। गौ माता की दूध हम सारा जिंदगी पान करते हैं। अंत में वो जब वृद्धा हो जाती है तब हम उसे लेकर कहीं बाहर छोड़कर चले आते हैं या फिर किसी को थोड़ा सा पैसा की लालच में बेच देते हैं। महापुरुष और एक पंक्ति में कहते हैं, गंध पुष्प धूप दीप पूजा आचरिव संध्या समय गुहाड़े संध्या बती देव दिनकर कुटुंबरे खर्च हुए जहाँ चारि भागरु भागटे जतनरे ताहा। इसमें महापुरुष ये कहते हैं कि गौ माता की पूजा गंध पुष्प धूप और दीप से करना चाहिए और शाम को वो जहाँ निवास करती है उसी जगह में एक दीप जलना चाहिए। एक दिन में एक परिवार में जितना खर्च होता है उसका 1/4 गौ माता के लिए खर्च करना चाहिए, ये महापुरुष कह रहे हैं। अतुट हुईण लक्ष्मी विजय करी थिबे नारी वंध्या हुई थिले सुसंतान हेबे। इसमें महापुरुष ये कह रहे हैं कि जिस घर में गौ माता की आदर की जाती है, जिस घर में गौ माता की पूजा की जाती है उस घर में माता महालक्ष्मी निवास करते हैं और परिवार के हर सदस्य को माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। अगर इसी परिवार में महापुरुष ये कह रहे हैं कोई बंध्या स्त्री है जिसका कोई पुत्र संतान नहीं हो रहा है, अगर गौ माता की सही ढंग से पूजा किया जाए जो निसंतान है उसका भी पुत्र प्राप्ति हो सकता है। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, गोहत्यारु बड़ी दोष संसार मध्य नाहीं विशेषल जाई फूल यह जाणी था तु ब्रज शिष्य। इसमें महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी प्रिय शिष्य राम से कह रहे हैं कि हे राम, तू ये बात सुन ले, गौ हत्या से बढ़कर कोई बड़ा पाप इसी दुनिया से नहीं। जो इंसान गौ माता की हत्या करते हैं हजारों करोड़ों साल तक उनका मुक्ति नहीं होता, वो नर्क में घूमते रहते हैं। गौ हत्या जेणु बढ़िव से पाप मही सही न पारिवल जाइफुल 1 लक्ष आयु जे कमिव। कलियुग में इतना ज्यादा गौ हत्या होगा इसे धरती माता बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए कलियुग का आयु जो 4,32,000 साल है वहाँ से 1 लाख आयु घट जाएगा। तो दोस्तों, हम सभी का यही कर्तव्य है कि गौ माता की रक्षा करें और हमारे सामने अगर कहीं कुछ भी अन्याय हो रहा है गौ माता के ऊपर तो इसका प्रतिवाद करें। आज जो राक्षस गौ माता की हत्या करके उसका मांस खाते हैं समय आने पर उनका हालत कुछ ऐसा होगा कि उनका रोह तक कांप जाएगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय माधव, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।